नमस्कार, टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, परिवार, परिवार के अंदर जब हम जीते हैं, परिवार के अंदर हम जब रहते हैं, तो हमसे सबसे बड़ा जो हमको उपदेश है या जब सबसे बड़ा हमारे जीवन में जो महत्व रखता है वो होते हैं मम्मी पापा। क्योंकि मम्मी पापा के बिना परिवार की परिकल्पना करना ही व्यर्थ होता है। और जो मम्मी पापा अपने बच्चों को जो सपोर्ट देते हैं, जिस हिसाब से वो बच्चों को आगे बढ़ने की का प्रोत्साहन देते हैं, वो वाकई उनके जीवन की नई दिशा और दशा को तय करता है। आज हम आपको ऐसे पिता से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को आगे बढ़ने में इतना प्रोत्साहन दिया है कि वो आज बच्ची सीपीटी के अंदर टॉप रही है। और आज आपको ऐसे परिवार से मिलवाते हैं जिनके दम पर आज सूरत के अंदर उन्होंने बिजनेस के साथ साथ व्यापारिक संबंध भी जो इन्होंने समाज के अंदर स्थापित किए हैं वो भी अपने आप में एक मायने रखता है। नमस्कार जी, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, आप राजस्थान में कौन से शहर के रहने वाले हो और सूरत आपका कब आना हुआ? सूरत में मेरा आगमन 1994 में हुआ है और झुंझुनू प्रॉपर, मतलब हम लोग गोड ब्राह्मण है और झुंझुनू प्रॉपर के ही हैं। सूरत 94 में मैं आया था आकर के यहाँ सूरत में, जो आज की तारीख में तो बहुत बड़ी संस्था और बहुत बड़ा व्यापारिक स्थल बन गया है। श्री जी इंटरनेशनल के नाम से दुकान है, जो अपने नोखड़ा राजस्थान बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के नोखड़ा ग्राम के हैं, चांडक बंधु हैं। उनके यहाँ ही मैंने 8 साल तक सूरत में नौकरी करी। उसके बाद में जो सूरत में मेरा पहचान या सूरत में जो भी मेरी एबिलिटी आपको जो मैंने निखारी है वो उनके बदौलत ही है। सूरत में आज 20 साल हो गए आए हुए और 20 साल के अंदर में मैंने जो उतार चढ़ाव देखे हैं सूरत मार्केट के और पर्टिकुलर परिवार के भी, मैं एक छोटा सा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाला आदमी हूँ, लेकिन मैंने यहाँ आकर के सबसे पहले नौकरी करी और उसके बाद अपने भाइयों को भी यहाँ लेके आया, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, और आज मेरा इतना बड़ा एक तरीके से, और आज मैं व्यापार भी अपना छोटा सा व्यापार मेनका क्रिएशन के नाम से चला रहा हूँ और यहाँ सूरत का लोकल का ही व्यापार कर रहा हूँ। मैं रीसेल का ही काम कर रहा हूँ यहाँ, अपने हिसाब से क्वालिटियाँ, अपने हिसाब से डिजाइनिंग डेवलपमेंट करना, क्योंकि इस सूरत मंडी में लोगों को रोज़ नया चाहिए। रोज़ नया इट मीन्स आज नया क्या आया है, व्यापारी आती है पूछता नया क्या है, तो उस चीज़ में नयापन लाने के लिए कुछ ना कुछ अपने अंदर आपको अपने दिमाग से, अपने रिलेशन से, अपने ग्रुप से, सबसे आपको जुड़ के रहना पड़ेगा, तो ही आपको चार चीज़ नहीं देखने को मिल सकती है। लेकिन व्यापार में खाली पैसा ही बड़ी चीज़ नहीं होती है, व्यापार के अंदर सबसे बड़ी चीज़ आपकी खुद की एबिलिटी और आपका जो रिलेशन है। व्यापार आज खाली पैसे से नहीं हो सकता है, व्यापार में आपके पास जितना गट्स होगा, रिलेशन होगा, उसके बल पे आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपकी क्वालिटी मेंटेन भी जरूरी है। वो चीज़ सबसे पहले अहमियत रखती है, उस क्वालिटी मेंटेन और अपनी ग्रेडेशन के ऊपर आप मार्केट में बहुत लंबे समय तक आराम से अच्छे तरीके से व्यापार कर सकते हैं। अब आज मेरे बच्चे 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, इसमें सबसे छोटी मेरी बेटी है मेनका, वो अभी सीपीटी का एग्जाम उसने कंप्लीट किया है। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि सीपीटी सीए कभी मेरे बच्चे बनेंगे भी, लेकिन उसने मेरा सपना साकार करने की सोची, तो आज मुझे खुशी है कि मेरी बेटी भी मेरे साथ बैठी है। मैं आपसे भी उसका परिचय करवाना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया आप ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हो और ब्राह्मण के तहत आपने यहाँ नौकरी से जीवन की शुरुआत की थी, तो कहीं आपको जीवन के जो शुरुआती पल थे उसमें कहीं आपको ऐसा लगा कि नहीं सूरत नहीं, अपने वापस झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए, वहाँ कुछ बिजनेस करना चाहिए, कोई ऐसा संकट आपके जीवन में आया? संकट तो देखिए ये जीवन की एक परंपरा है, चलते रहते हैं संकट और नफा नुकसान सब होता है, लेकिन आदमी का जो एक अपने अंदर का एक जुनून होता है कि मेरे को कुछ बनना है, मेरे को कुछ करके दिखाना है। यहाँ आज मेरे हजारों भाई दोस्त हैं, आज वो मेरे साथ है, तो मैं उनको छोड़ के वापस जाना चाहूँ, फिर मेरे को यहाँ आकर के ऐसे चालू करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। मैंने नौकरी भी करी, कम से कम 3-4 जगहों पे और भी नौकरियां करी है मैंने। व्यापार को सफल होने में केवल एक पैसे से ही महत्व नहीं रखता है, उसके अंदर एक पानी पिलाने से लेके ऊपर सेठ तक सबकी ट्यूनिंग अगर एक होती है तो व्यापार बढ़ता है। चाहे आप कितने बड़े संस्थान को ले लीजिए, सूरत के यहाँ लक्ष्मीपति, विशाल, अंबिका, बड़े बड़े जो आज ब्रांड नेम आए हैं जिन 5 साल के पीरियड में जो उभर कर, तो उन चीजों के पीछे वो हमने आंखों से देखा है, मैंने आंखों से देखा है उन चीजों को, आज उन्होंने कितनी मेहनत करी है, कितना स्ट्रगल किया है, तब आज उस मुकाम पे पहुंचे। तो हर आदमी अगर ये सोचे
कि मैं भी उस मुकाम से आगे निकलने की कोशिश हुआ, तो वहां नहीं पहुंच सकूं तो कम से कम उसके समकक्ष तो खड़ा हो सकता हूं। ऐसा अगर हर आदमी के दिमाग में होगा तो कुछ न कुछ नया मिलेगा। आज अगर आदमी चाहे तो हर चीज अपने आप में और अपनी जगह पे अहमियत रखती है, ऐसा नहीं है। इन्हीं चीज और इन्हीं संदेशों के साथ भाई साहब, मैं पवन जोशी मेरा नाम है, मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सूरत नगरी के अंदर आप सभी का प्यार स्नेह आशीर्वाद इसी तरीके से मेरे को मिलता रहे। मैं बस यही शुभकामनाओं और इन्हीं कल्पनाओं के साथ आपसे रूबरू हुआ हूँ। पवन जी, जैसे आपने बताया आप झुंझुनू से हैं, जो तो झुंझुनू एक सेना का गढ़ माना जाता है, जहाँ से शहीदों की संख्या सबसे ज्यादा और सेना में सबसे ज्यादा रुझान झुंझुनू के लोगों का होता है, तो कहीं आपके मन में या आपके जो परिवार के कोई भी सेना के अंदर गया जो सबसे ये लगे कि मातृभूमि की सेवा हमें करनी होगी, झुंझुनू एज ए शहीदों का समग्र शहर गिना जाता है? नो डाउट, इसमें आपकी बात सही है, लेकिन मेरा परिवार शुरू से, मेरे पिताजी बिहार गए, वहाँ हमारा व्यापारिक कल्चर ही रहा। शुरू से उन्होंने महाजनों के यहाँ नौकरी करी, व्यापार किया, कपड़े का ही व्यापार, इसलिए हमारा परिवार शुरू से, आज बॉम्बे में भी हमारे परिवार के काफी लोग हैं जो कॉटन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और इसलिए हम मतलब सेना की तरफ जाने की बजाय, और बाकी नॉलेज हमारे गांव से भी काफी लोग हैं। अभी जो पीछे अपना कारगिल युद्ध हुआ उसमें हमारे गांव में रोज डेड बॉडियां आती थी, रोज शहादतें होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा शुरू से जो पारिवारिक लगाव है वो व्यापार संबंधी रहा, और व्यापार इसीलिए मैं सूरत आया। तो आपने जैसे बताया व्यापारिक लगाव रहा, और आपने बच्चों को जो एजुकेशन दी है वो एज ए प्रोफेशनल एजुकेशन जिसको बोला जाता है, तो क्या ये व्यापारिक सेक्टर में आने के लिए बच्चों का एक निमंत्रण है, या आप सही में बच्चों को उच्च बनाने की जो योजना है आपके मन में? देखिए, मैं ये चाहता हूँ जो पोजीशन व्यापार की दिन पर दिन हो रही है सूरत की, उस चीज के अंदर मैं जिस तरीके से मैं तेजी मंदी से जूझ रहा हूँ, मेरे बच्चे उस चीज से न जूझे, वो अपने आप में एक सेल्फ डिफेंस हो, वो अपनी नौकरी करें या अपना व्यापार करें, कुछ भी करें, वो अपने पैरों पे खड़े हों। मैं अपनी चाहे आधी रोटी कमा करके खा रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा कर मैं किसी का मोहताज नहीं बनाना चाहता हूँ। वो अपने पैरों पे खुद खड़े हों। व्यापार देखिए, आज अच्छा चल रहा है, कल तेजी मंदी भी आ जाती है, नुकसान नफे सब चलते हैं, तो मेरे बच्चे उस पोजीशन को झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे वो मैं अपने आप में सिक्योर नहीं हूँ। इसलिए मैं बच्चों को ये गाइड कर रहा हूँ कि बेटा आज आपका समय, आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई लो, अच्छे से अच्छी आप शिक्षा लो, और अपने पैरों पे खड़े होकर के अपना खुद का व्यापार करो या नौकरी करो। इसलिए मैंने बच्चों को पढ़ाने की तरफ, और विशेषकर मेरी बच्ची ने इस और एक नया कदम उठाया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाऊं और वो कुछ अपने पैरों पे खड़ी हो और अपना कुछ नाम रोशन करके दिखाए। इसलिए मैंने इस क्षेत्र में जाने के लिए बच्ची को, ये पहले यही सोचा था कि लड़कियां राजस्थान हो चाहे कहीं भी हो, उनको इतना ज्यादा पढ़ाने का और का नहीं होता था, लेकिन और मेरा परिवार भी पूरा धार्मिक रीति रिवाज से चला रहा है, तो बच्चियों को इतना खुलेपन की और की वो चीजें भी हमारे परिवार में इजाजत नहीं है। लेकिन खुलापन वो जरूरी नहीं है, अगर हमारी बच्ची अगर कुछ करना चाह रही है पढ़ लिख करके और उसके अंदर वो गुण है, तो मैं उसको निखारने के लिए और उसको आगे लाने के लिए ही मैंने निर्णय लिया है। पापा इज दैट ग्रेट, आप पे बहुत गौरवित महसूस करें, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और मैं इनकी सभी आशाएं पूरी करना चाहती हूँ, और मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत सारे सपने देखे और उन सपनों को मैं पूरा करना चाहती हूँ। क्या आपके मन में है कि मैं कुछ आगे सीए करूँ या और कुछ करूँ, या पापा की खुशी के लिए कर रहे हो? नहीं नहीं, मेरा सपना है कि मैं बड़ी होके कुछ अच्छा बनूं, और यहाँ तक कि मेरा सपना है कि मैं सीएफए बनूं और बड़ी बड़ी कंपनियों में मैं मेरा मेरे लिए जॉब ऑफर आए और मैं वहाँ पे जॉब करूं और मैं पढ़ लिख के अपने अपने और अपने माता पिता के सपने पूरा करना चाहती हूँ। जैसे आपने बताया पढ़ लिख के माता पिता के सपने पूरा करना, तो आपका खुद का सपना क्या है? मेरा सपना मेरे माता पिता के ही सपने है, उन्हें पूरा कर दूंगी तो मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। जैसा कहा जाता है लड़कियां माता पिता पे एक बोझ होती है, कभी आपको ऐसा फीलिंग होता है कि जो ये चीज मानते हैं उनको आप क्या नकार संदेश देना चाहेंगे कि भाई लड़कियां माता पिता के लिए कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती है? नहीं नहीं, लड़कियां किसी के ऊपर बोझ नहीं होती है, आजकल बस ऐसे ही सब लोग सोचते हैं कि लड़कियां उनके ऊपर बोझ है, लेकिन लड़कियां जितनी आगे बढ़ती है और दूसरों के लिए जितना करती है उतना लड़के कभी नहीं कर पाते हैं। तो अपने जैसे कह सकते हैं अभी जो राजस्थान के अंदर, जैसे आपके पापा ने बताया कि हमारे यहाँ जो
धार्मिक परंपराएं चलती है, लड़कियां बाहर प्रोफेशनल नहीं जा सकती, कोई जॉब नहीं कर सकती या कुछ ऐसा पहनावा नहीं पहन सकती जो परिवार के अंदर सुटेबल नहीं हो, तो क्या आप ये इन सब चीजों से सहमत है या आप उनके विपरीत जॉब करना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे धार्मिक रीति रिवाज तो है ही, जो कि मतलब लड़कियों को न तो कभी घर से बाहर निकलने दिया जाता था और न ही उनको पढ़ाई वगैरह का कुछ भी नहीं, कभी भी उन्हें पढ़ाई लिखने का कुछ भी सहयोग नहीं मिला, न ही उनको परिवार से कोई सहयोग मिला। और मैं पढ़ लिख कर ये बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ किसी से कमजोर नहीं है। लड़कियाँ किसी से कमजोर नहीं है तो हम भी जानते हैं, लेकिन जो चीज परिवेश, जिस परिवेश में आप रह रहे हो, मम्मी पापा का आपको वैसे सपोर्ट है, लेकिन जो आगे आने वाली जो आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हो वहाँ से बैकअप नहीं आ सकते, आप आगे जा सकते हो लेकिन बैकअप नहीं आ सकते, उसके अंतर्गत कहीं आपको ये लगता है कि आप कहीं समाज की तौर पर या कहीं बड़े भूमिका निभा सकते हो? हाँ बिल्कुल, मेरे पापा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने मुझे हमेशा अच्छे संस्कार दिए हैं जिनकी वजह से मैं हमेशा आगे बढ़ूंगी और अपने माता पिता के बताए रास्ते पर ही चलूंगी। आप ब्राह्मण समाज से हो, ब्राह्मण समाज के अंदर वाकई लड़कियां एजुकेशन में बहुत प्रोफेशनल आगे बढ़ रही है, तो उसकी एवरेज में जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है अभी लड़कियां पढ़ ली है, लड़के नहीं पढ़ते हैं, तो फिर वो अदर कास्ट मैरिज का जो सपोर्ट बढ़ रहा है, तो उसके अंतर्गत आप क्या ये चीजें फॉलो करेंगी कि भाई समाज के अंदर हमें जाना है या समाज के बाहर अपने कुछ प्रोफेशनल इंजीनियर दिखाना है? नहीं, मैं पढ़ाई तो करना चाहती हूँ और कुछ बनना भी चाहती हूँ, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ कभी भी नहीं जाना चाहती हूँ। अपने परिवार में जो रीति रिवाज है उन्हें अपनाना चाहती हूँ और कभी भी उन्हें कोई भी तरह की ठेस नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। राजस्थान से है तो राजस्थान में लड़कियों की एजुकेशन काफी लो रहती है, तो उन राजस्थान की उन लड़कियों को जो शायद पढ़ लिख नहीं सकती है किसी भी वजह से नहीं पढ़ सकती, चाहे वो पारिवारिक दबाव हो, चाहे उनके पास फाइनेंशियल दिक्कत हो, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि पढ़ो और कुछ बनो, उसके पीछे भले ही आज हमारे देश में भी कई ऐसी संस्था चल रही है जो मतलब गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ भी करती हैं, उन्हें तरह तरह की सुविधाएं देती हैं, और मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि मन लगाकर पढ़ो और अपने माता पिता के सपने पूरे करो, उन्हें ये बताओ कि लड़कियां और लड़कों में कोई फर्क नहीं है। जी, लड़की लड़के में कोई फर्क नहीं था, कभी आपके मन में ऐसा ही कि नहीं आपकी लड़की आपका नाम रोशन करेगी या आपको लड़के से ज्यादा अपेक्षाएंगी? देखिए, लड़कों से और लड़की लड़के तो हमेशा अपने पास ही रहेंगे, लेकिन लड़की हमेशा पराई अमानत होती है, लेकिन फिर भी माँ बाप ये चाहता है कि पराई अमानत, देखो अपनी अमानत को अपने पास एक रुपया है तो भी सही है और हजार है तो भी सही है, लेकिन अपने किसी दूसरे को देते हैं तो वो खरा सोना हम समझ के देते हैं, वो सोना हमारे लिए वो लोग भी ये बोले कि आपने खरा सोना दिया, तो उसमें हम अपने आप को ज्यादा गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन किया। लड़के तो देखो हमेशा माँ बाप परिवार वंशवाद को बढ़ाते आए हैं और वो उसी कार्य पे रहेंगे, लेकिन लड़कियों में कुछ ऐसी एबिलिटी, ऐसे हुनर बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो आज बहुत ये समझो रेयर केस में ही ऐसी बच्चियां निकलती हैं जो अपने माँ बाप के लिए या परिवार के लिए या देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो उसके लिए मतलब मेरे को सबसे ज्यादा गर्व अपनी बेटी पे ही है। तो आपके पापा का सबसे ज्यादा गर्व, तो इसके अलावा पढ़ाई के अलावा आपके क्या क्या शौक हैं? शौक तो बहुत सारे हैं, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग वगैरह, पेंटिंग वगैरह भी मेरा बहुत अच्छा शौक है, पेंटिंग में मुझे बहुत पसंद है, इसके अलावा फैशन का भी बहुत ही अच्छा शौक है मेरे को। तो कभी इन शौकों के तहत आपने कभी उसको यूटिलाइजेशन किया आगे, कभी इस शौक को आगे बढ़ा के कहीं अपने कुछ और आगे बढ़ने की सोची? हाँ, मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ में सब कुछ सीखना चाहती हूँ और सब कुछ अपनी जिंदगी में कभी भी कोई भी चीज ना पीछे नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं हर चीज आजमाना चाहती हूँ, मैं कभी भी अफसोस नहीं करना चाहती अपनी जिंदगी में कि मैंने ये नहीं किया, मैं हमेशा अपने शौक और अपनी जो मेरे अंदर हुनर है मैं उसे हमेशा आजमाना ही चाहती हूँ। ये कामयाबी जो आपको मिली है उसका श्रेय आप मम्मी पापा के अलावा और किसको देना चाहेंगे? मम्मी पापा के अलावा अपनी फैमिली को, जैसे कि मेरे दादा दादी वो बूढ़े हैं और उन्हें मतलब उन्होंने हमेशा अपने पोता पोती से यही चाहा कि वो पढ़ लिख कर उनके लिए नाम रोशन करें, यहाँ तक कि मेरा तो ये भी सपना है कि मैं अपने देश का भी नाम रोशन करूं। जो आज आपकी बच्ची की सोच है, शायद वो हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, तो ये सोच रखने वाले परिवार के जो संस्कार होते हैं वो परिवार से उत्पन्न होते हैं, तो आप परिवार के अंदर ऐसा सौहार्द जो मेंटेन कैसे कर पाते हैं कि आपके बच्चों के अंदर इतने अच्छे संस्कार आ सके? देखिए, आज जो मेन संकीर्ण विचारधारा आ गई, शादी हुई लड़का अलग हो गया,
दूसरा लड़के की शादी वो भी अलग हो गया, तो इन चीजों से कभी भी वो चीज नहीं आ पाएगी। जब तक संयुक्त परिवार चलता है उसमें दादा दादी मामा चाचा नाना सब बड़े अपने छोटे बड़े का ध्यान होता है, उसके अंदर अपने को एक दूसरे का मान सम्मान मिलता है कि ये चीज है। लेकिन जहाँ संयुक्त परिवार नहीं होगा तो वहाँ सब अपने आप मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी। सिर्फ उसी लय पे चलने से ही काम नहीं होता है, और वो लय आज का युग 75% जो हिंदुस्तान में लोग हैं वो इसी लय पे चल रहे हैं, इसलिए आज दुखी हैं लोग। लेकिन अगर परिवारवाद और जो संयुक्त परिवार की परंपरा और खानदान की देश की अगर सोच के व्यक्ति चलता है तो कभी भी उसके घर से कभी भी ऐसा अगर कोई बच्चा अगर कोई गलत लाइन पे निकल भी जाता है तो भी वो वापस सुधर के ही सही होगा, न कि वो दूसरा रास्ता भटकेगा। तो अपने जैसे आपने बताया आप राजस्थान से झुंझुनू गए पापा, तो आपका झुंझुनू जाना आना तो राजस्थान का जो कल्चर है जैसे आप बता रहे हो आज आधुनिक हो, आप साइकोलॉजी चीजें फेसबुक समझ लो ट्विटर समझ लीजिए इन सब में ज्यादा रुझान लोगों का होता नहीं कि कल्चरल जो चीजें हैं राजस्थान की जो परंपराएं घूमर है वो सब में आपका शौक है? नहीं, मैं फेसबुक वगैरह कुछ भी नहीं करती हूँ और नहीं मेरा इसमें कोई शौक है, क्योंकि ये माना जाता है कि बच्चे एक बार इसमें चले जाते तो फिर वापस नहीं आ पाते और नहीं उनका पढ़ाई पे ध्यान होता है, और मेरा इन सब में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, मैं सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहती हूँ। तो राजस्थान के बारे में आप क्या सोचते हैं, राजस्थान में कभी जाते हैं या वहाँ पे जो मम्मी पापा के साथ कभी घूमने का अवसर मिलता है? हाँ, राजस्थान मुझे बहुत प्यारा है और मैं मेरा जन्म वहाँ पे हुआ है तो मुझे और भी ज्यादा प्यारा लगेगा, क्योंकि मैं वहाँ पे जन्मी हूँ और मैंने वहाँ की दुनिया देखी है और वहाँ पर मुझे जाकर बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, राजस्थान सबके दिलों में बसने वाला एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाके अपने वहाँ भी घुल मिल जाते हैं लेकिन राजस्थान को कभी नहीं भूलते हैं। और एक संयुक्त परिवार की जो महत्वता होती है वो जैसे पवन जी ने हमें बताया कि संयुक्त परिवार के अंदर ही संस्कारों का मिशन होता है और संयुक्त परिवार के अंदर ही बच्चों में संस्कार आते हैं, ताकि अगर हम अगर कुछ गलत करते हैं तो संयुक्त परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अच्छी गाइडलाइन अपने को दे सकता है, वो संयुक्त परिवार के तहत ही अपने जो व्यक्तित्व का विकास है वो आगे बढ़ सकता है। पवन जी आपने अपना कीमती समय दिया, मेनका जी आपने अपना कीमती समय, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।